यहाँ पे मदुराई से आगे पहुँचे हैं, मदुराई से लगभग 25 किलोमीटर आगे, और यहाँ पे जो निसार है यू नो साइक्लोन, उसका जो बारिश का जो है चीज वो दिख रहा है यहाँ पे, बहुत ही जबरदस्त बहुत ही जोरों से बारिश हो रही है यहाँ पे, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, मतलब बारिश मतलब लाइक बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे आगे कुछ भी दिख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं सिर्फ रेडियम के ऊपर ध्यान रखकर चला रहा हूँ, सिर्फ रेडियम के ऊपर ध्यान रखकर जा रही है गाड़ी। ऊटी के अंदर अभी हमारा दूसरा दिन है और टोटल वैसे देखने जाए तो छठा दिन है, और आज हम जो मेन ऊटी के जो लोकेशंस है उसको कवर करेंगे। कुछ लोकेशंस बंद है बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन, बट जो जो लोकेशंस चालू है उसमें रोज गार्डन है, थ्रेड गार्डन है एंड बॉटानिकल गार्डन है। ये तीन गार्डन हम कवर करेंगे। ऑल्सो वी विल कवर सम काइंड ऑफ यू नो सीनिक पॉइंट्स, जैसे कि पाइन फॉरेस्ट है, और लेक को हम आपको आउटसाइड से दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक एवलेंची लेक है, उसको भी हम पोर्ट्रे करेंगे। सो ये सब लोकेशंस को हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी ऑलरेडी बहुत ही अच्छा मौसम, वहाँ पे आप देख सकते हो आप पूरा यू नो बादल एकदम अच्छी तरीके से एकदम ऊपर जा रहे हैं, दैट इज लुकिंग सो गुड, और बहुत ही अच्छा लग रहा है वो। बट हम थोड़ा और आगे जाके कवर करेंगे और देखेंगे किस तरीके से पूरा दिन रहता है। तो लेट्स स्टार्ट द डे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, बॉटानिकल गार्डन जाने से पहले सबसे पहले हमने गाड़ी पार्क की है और अभी हम रुके हैं इस होटल के अंदर। ये देखिए थोड़ा, और अभी हम यहाँ पे खाने वाले हैं नाश्ता, ब्रेकफास्ट करेंगे, एंड आई विल शो यू व्हाट वी आर ईटिंग एंड देन विल प्रोसीड फॉरवर्ड टू द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ द बॉटानिकल गार्डन। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो अभी हम खाने वाले हैं ये डोसा विथ कॉफी। क्या क्या बोल रहा था तो? डुबो दो ऐसे डुबाने का बोल रहा। रुको जरा, सबर करो। सो अभी एक प्लान में चेंज है और प्लान में एक अपडेट है, और विद दैट अपडेट अभी हम ऊटी में है, और ऊटी में से अभी हम जाने वाले हैं तमिलनाडु के एक लास्ट एंड पे जिसका नाम है कन्याकुमारी। सो ये जर्नी जो है वो बहुत ही अमेजिंग और एडवेंचरस जर्नी रहने वाली है। सो लेट्स जस्ट गो एंड सी व्हाट वी कैन फाइंड नेक्स्ट। दोस्तों ऊटी वैसे तो मेरा सबसे प्यारा और बेस्ट लोकेशन था जो मैंने पूरी हमारी ये लॉन्गेस्ट जर्नी के अंदर देखा था, बट अनफॉर्चुनेटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो ऊटी के लोकेशन हैं उसको बंद करके रखा है, जिसकी वजह से क्या है कि कोविड का जो अभी प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़े नहीं, और वो चीज़ मैं सही मानता हूँ। तो उसकी वजह से ही यहाँ पे ज़्यादा रुकने का कोई मतलब नहीं था, तो उसकी वजह से हम निकल गए एक और एक नए डेस्टिनेशन पे जो था कन्याकुमारी। और जो ऊटी का जो रोड है, जो खास करके जो उसकी यूपिंस है, वहाँ पे ड्राइव करने का मज़ा और उसकी आजू बाजू की जो अगर आप सुंदरता देखोगे, पूरे बादल ऐसे नीचे आ गए थे और एक टेंशन का खतरा था कि शायद ये निसार का कुछ इफ़ेक्ट हमें दिखे कि नहीं दिखे, क्योंकि वो वैसे तो आने वाला था पौंडीचेरी लोकेशन पे, लेकिन यू नो ऑब्वियसली आजू बाजू का जो स्टेट होता है उसको ज़रूर से इफ़ेक्ट होता है, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन लेट्स ड्राइव टू कन्याकुमारी और देखते हैं कि हमें आगे क्या मिलता है और किस तरीके के व्यूज़ हम एंजॉय कर सकते हैं।
दिल्ली से कन्याकुमारी का जो रास्ता है वो कोई इजी रास्ता नहीं था, क्योंकि हमें एक दिन के अंदर 516 किलोमीटर की जर्नी करनी थी, जो अराउंड मेरे हिसाब से 10 घंटे की जर्नी थी। बट हम ऑलरेडी कोयम्बटूर हमने क्रॉस कर लिया बाईपास से, और हम जो घाट सेक्शन था वो तो हमने क्लियर कर दिया है। सो आई थिंक अभी जो नेशनल हाईवे है वो एकदम क्लियर रहने वाला है, सीधा रहने वाला है। अगर कोई मुसीबत नहीं आती है तो हम 10 घंटे के अंदर अंदर कन्याकुमारी रात को आई थिंक 10 बजे तक पहुँच जाने चाहिए। मदुराई से आगे पहुंचे हैं, मदुराई से लगभग 25 किलोमीटर आगे, और यहाँ पे जो निसार है साइक्लोन उसका जो बारिश का जो है चीज़ वो दिख रहा है यहाँ पे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़ोरों से बारिश हो रही है यहाँ पे, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। मतलब बारिश मतलब लाइक बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे आगे कुछ भी दिख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं सिर्फ रेडियम के ऊपर ध्यान रखकर चला रहा हूँ, सिर्फ रेडियम के ऊपर ध्यान रखकर जा रही है गाड़ी, बिल्कुल भी दिख नहीं रहा। बहुत ही खतरनाक वो चीज़ हुआ है।